हेलो जी, राम राम जी। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। और गाइज देखिए देवर्षी क्या कर रही है, दिखाते हैं चलिए आपको। अपनी चांदी कटोरी की चांदी की कटोरी में लीची है तो ना। मैं वैष्णो देवी से लेके आई। तो भाई देखिए देवर्षी ले रही है अपनी चांदी की कटोरी में लीची, जो ये वैष्णो देवी से लेके आई थी, प्रसाद की कटोरी है ना, चांदी की ये। अच्छा भाई, हमें तो पता भी नहीं था ये चांदी की। और लीची कहाँ से आई है? है ये फ्रूट से? अच्छा, तो गाइज किचन में हो रही बहुत गर्मी, इसलिए हमने ये लीची और केले यहीं पर रख लिए थे रूम में, क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं थी और फिर ठंडे बच्चों के दांत में भी लगते हैं, तो इसलिए लीची मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी। और केले गर्मी में खराब हो जाओ वो तो फ्रिज में रखे जाते, तो इसलिए हमने इसी वाले रूम में ही रख लिए थे अपने। तो गाइस चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि बच्चों के डैडी नैनीताल से इनके लिए क्या क्या लेके आए थे गिफ्ट, वो दिखाएंगे आज आपको। पहले देवशी की राम राम जी ले लो। राम राम जी। राम राम जी। और गाइस देखिए देवशी के ना लिप पे कितनी चोट लगी कल, यहाँ पे परसों परसों शाम है ना, कैसे लगी बताओ। तो भाई जी खेल रही थी फाट के बीच में। अच्छा मैं गिर गई थी। अच्छा गैप में गिर गई थी। तो ये मुंह आपका चारपाई में लगा था और नीचे फर्श पे। अच्छा खाट पे। अच्छा खाट पे ही लग लगा था। अच्छा 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 उसमें लग गई थी चारपाई में। तो भाई जी परसों मुझे तो पता नहीं, मैं तो प्रति ये नीचे से रोती हुई आई कि देखो मम्मा यहाँ पे चोट लग गई, मेरे बच्चे की कितनी चोट लगी। और इसको करे देवर्षि के लगी, अगर प्रीत के लगती तो भैया रो रो के घर को उठा लेती सर पे, लेकिन मेरा बेटा तो ज्यादा रोता नहीं है ना, स्ट्रोंग है ना मेरा तो सिर पुत्र। ये लेके आए थे पापा सब सामान इकट्ठा दिखाएंगे, मेरा पोचा। तो इसका पोचा लेके आए थे। तो भाई सब सामान इकट्ठा करके दिखाएंगे मेरा आपको। सकता है। हाँ इसे कान में भी लगा लो। कहाँ जा रहे चलो बताओ। हो गया काम? अच्छा तो गाइस देखिए नीचे चल रही नालियों की साफ सफाई, चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखिए प्रीत ने आज पूरी दोपहर होगी कि अपनी एक्टिविटी का क्या किया बेटा, दिखा दो। विलोम शब्द की करी, फिर मैथ्स का एक बार करा, ये वाला करा, ये वाला। अच्छा अभी कितना रह गया वर्क? बस हिंदी का थोड़ा सा और रह रहा है। अच्छा और इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर का रह रहा है। अच्छा और एक बैटमैन, एक ना अपने फेवरेट टीम का ना वो बनाना है। अच्छा तो गाइस देखिए इसने पूरी दोपहर में आज अपनी अम्मा वाले बेड पे बैठकर बेड शीट की हालत बना दी। गर्मी नहीं लगी इधर? अच्छा और ये क्या खा रही? अच्छा अकेले अकेले खा रही, चल मैं भी खा लूं। तो गाइस देखिए चलिए आपको दिखाएंगे कि बच्चों के डैडी हमारे लिए नैनीताल से क्या लेकर आए थे। तो गाइस देखिए सबसे पहले ये स्टॉल कितना प्यारा लग रहा, और ये गाय स्ट्रेचेबल है, ये ऐसे खुल भी जाएगा जब इसको ओढ़ेंगे ना, तब ये खुल जाएगा ओढ़ने से। अब से ये थोड़ा छोटा सा लग रहा। तो भैया हमारे पति देव ने तो कर दिया इंतजाम, पहले ही सर्दी होगा, गर्मियों में ही कर दिया इंतजाम, सर्दी होगा। अरे फिर एक स्टोर तो ये ले गया, चाहे बच्चे डाल ले इसको, चाहे मैं डाल लूं या कोई भी डाल सकता है। फिर गर्मियों में सर्दियों का इंतजाम करना। और गाइस एक स्टोर ये ले जाए, ये तो शॉल ही है, शॉल नहीं है गाइस, ये शॉल। मम्मा ये कितना बड़ा होगा? तो गाइस देखिए एक शॉल ये ले जाए, ये हैंडमेड है। तो भाई देखिए कितना प्यारा स्टोन लग रहा है। मतलब आप फोड़ोगे इसको आप तो बहुत अच्छा लगेगा। ये अम्मा रख लेंगे, अम्मा उड़ लेंगे। हाँ है ना। और मेरा कहाँ पे है?
तो गाइस देखिए, ये देखने से तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये कढ़ाई है, लेकिन ये कढ़ाई नहीं है, ये प्रिंट है। पहले हमने भी यही सोचा था कि ये कढ़ाई है, जब इन्होंने दिखाई थी हमें फोन में, हमने सोचा कि ये कढ़ाई वाले कितने प्यारे लग रहे, लेकिन ये कढ़ाई नहीं है, प्रिंट है गाइस इस पे। और कपड़ा भी ये ब्लैंकेट वाला है, शॉल वाला कपड़ा नहीं है ये। दिखाना पास से दिखाना। तो गाइस देखिए, ब्लैंकेट वाला कपड़ा जो कंबल वाला हो, और ये प्रिंट है इसमें कढ़ाई की जगह। लेकिन कोई नहीं, फिर भी अच्छा लग रहा काफी ये। और ये नीचे इसमें बॉर्डर बना हुआ, और गाइस जब दिखाएंगे आपको सबसे प्यारा गिफ्ट जो नैनीताल का हमें लगा सबसे प्यारा गिफ्ट, एक पर्स। तो गाइस देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पर्स, ये हैंडमेड पर्स है। तो गाइस देखिए ये पर्स कितना प्यारा लग रहा है, नैनीताल का सबसे प्यारा गिफ्ट लगा गाइस ये हमें, कितना सुंदर पर्स है। चाहे इसको बच्चे डाल ले या मैं डाल लूं या कोई भी डाल सकता है इसको। इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है और डिजाइन लुक वाओ, मतलब इधर ऐसा मिलते तो होंगे लेकिन मैंने देखा गाइस ऐसा, मैंने तो इसमें मेरा फेवरेट कलर भी है ये वाला। अच्छा, ये आपका फेवरेट कलर है ये ग्रीन वाला। अच्छा, तो इसके अंदर कुछ और भी है गाइस, चलिए वो भी दिखाएंगे आपको। हमारी प्रीत प्रीत रानी दिखाएगी इसके अंदर क्या है। 1 2 3 वाओ गाइस, तो गाइस देखिए कितनी प्यारी, क्या बोलेंगे इसको, बाउल बोल लो, डब्बी बोल लो, कुछ भी बोल लो, बॉक्स बोल लो। तो गाइस देखिए कितना प्यारा बॉक्स लेकर आए हैं बच्चों के डैडी नैनीताल से, पर्ल्स से बना हुआ है। हाँ, पूरा मोतियों से बना हुआ, पूरा मोतियों से बना हुआ। तो गाइस देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये बाउल मोतियों से बना हुआ। अब प्रीति इसको आपको ओपन करके दिखाएगी। फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ और भी है, फ्रेंड्स देखो हमारे पापा हमारे जय श्री राम वाली। तो गाइस देखिए जय श्री राम जी के क्रिंग, हनुमान जी का गदा, ओए हनुमान जी ने तो चोटी मार दी गदा मार के। तो गाइस देखिए ये हनुमान जी का गदा, इन पे लिखा है जय श्री राम, और अंदर से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे लंच बॉक्स हो, छोटे छोटे डब्बे हो बॉक्स। तो सब्जी भर के लेकर जाएंगे। तो गाइस देखिए, तो गाइस देखिए कितनी डेकोरेशन की है छोटे से बॉक्स की, और पहले ग्लिटर लगाया फिर हाफ बल्ब से इसको डेकोरेट करा। अच्छा अच्छा, चलो चलो बंद करो इसको। और फ्रेंड्स अभी हम आपको ना हमारे क्यूट से फ्रेंड्स बिठाते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं देवशी और मेरे। तो गाइस कुछ और भी लेके आए थे बच्चों के डैडी इनके लिए, तो ये देखिए। तो फ्रेंड्स इसका जो बैच पे नाम लिखा है ना वो वाला नाम बताती हूँ, इसका नाम है पोचा। अच्छा, वो वाला पोचा नहीं। अच्छा, इसका नाम पोचा, देखो इसके बैच पे पोचा लिखा हुआ है। वेरी गुड। और ये है यूनिकॉर्न, इसके बैच पे यूनिकॉर्न लिखा हुआ है। यूनिकॉर्न वाला मेरा है, पोचा देवशी का। अच्छा, पोचा देवशी का, यूनिकॉर्न आपका। हाँ ठीक है, मेरे किट से मैच कर रहा है यूनिकॉर्न, इसलिए मैंने यूनिकॉर्न लिया, और देवशी का ब्लू है तो उसने पर्पल लिया। अच्छा, और मम्मा को क्या दोगे, मम्मा के हिस्से में क्या आया, शॉल, ये मम्मा के लिए, ये मम्मा के लिए, और क्या है मेरे लिए, मम्मा और आपके लिए। अच्छा, पर्स मुझे ही दोगे, ठीक है, मैं फिर अपना पर्स आप लोगों को दिया नहीं करने की। ओए ओए ओए, तो गाइस इसमें हम अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, चाहे अपना मेकअप का भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, या फिर अपना कुछ जैसे चांदी का भी कुछ भी छुए पायल वगैरह रख सकते हैं, या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो गाइस बताना हमारा नैनीताल का सबसे प्यारा सामान आपको क्या लगा, और प्रसाद था और कुछ बच्चों के थोड़ा सा और खाने वाने का सामान था, वो तो सभी ने खा लिया और प्रसाद सबको दे दिया गाइस। तो अब ये सामान हमने रखा था कि आपको दिखाएंगे सबसे पहले, तो हमने दिखाया, और बताना गाइस सबसे अच्छा क्या लगा। वैसे मुझे तो पर्स बहुत अच्छा लग रहा, और ये बॉक्स मुझे तो यूनिकॉर्न और पोचा, सबको अपनी अपनी चीजें अच्छी लग रही, और ये शॉल देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा देखने में, और सर्दी में ओढ़ के इसको मजा बहुत आएगा गाइस, ठंडी का पता भी नहीं चलने का। देखिए फ्रेंड्स देखो, अब मैं जा रही हूँ पार्टी में, मेरा देखने से गाइस ये ऐसा लग रहा जैसे इस पर कढ़ाई हो, लेकिन ये कढ़ाई नहीं है, ये प्रिंट है। तो फ्रेंड्स अब मैं अपना पर्स पहन के पार्टी में जा रही हूँ। चलो ये शॉल डाल के दिखाओ मैं।
तो गाइस देखिए प्रीत ने डाल के दिखाया आपको शाल, कितना प्यारा लग रहा है ये, कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी भी डार्क लाइट शेड किसी के भी साथ आप इसको पहन सकते हो, अच्छा लगा ना भाई। और ये इसका बॉर्डर नीचे, महारानी वाली फील आ रही। अच्छा महारानी वाली फील आ गई। चलो अब ये भी डाल के दिखाओ सबको, देखिए ये भी दिखाया प्रीत ने डाल के। हसी वाली क्या बात है भाई, हसी क्यों, हसी क्यों। तो भाई देखिए प्रीत तो ज्यादा ही बनठन गई, ज्यादा ही सवर गई से पहन के। मैं पंजाबी कुड़ी हूँ। अच्छा पंजाबी कुड़ी होगी, अच्छा चलो ठीक है रख दो। आज गाइस मैं आपको ना मेरी फ्रेंड का फेस रिवील करवाऊंगी। कैसे? मेरे पास उसका फोटो है। तो गाइस देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा पर्स, वाकई में सच में ही नैनीताल का सबसे खूबसूरत तोहफा है हमारा पर्स, बहुत प्यारा लग रहा। और आप भी बताना गाइस कमेंट करके कि हमारा पर्स कैसा लगा। तो गाइस देखिए इसमें अंदर चैन वगैरह कुछ नहीं है, बस सिंपल ही है, थोड़ा बस पैसे वैसे रखने के हिसाब का तो ये है नहीं, थोड़ा बस फोन वगैरह रख सकते हैं, वैसे तो लोग है निकलेगा तो कहीं नहीं इसमें से सामान। ये है मेरी फ्रेंड, ये मेरे को ना फोन फोटो मिल गया था उसका, पता नहीं कहाँ से। अच्छा बाल तो काफी बड़े भाई आपकी फ्रेंड के। हाँ, वो पंजाबी लंबी है। अच्छा पंजाबी है। लंबी लंबी चोटी यार तुम्हारी फ्रेंड की, तो खुद से बना लाया मम्मी बनावे इनको? मम्मी बनाती है उसकी। अच्छा मम्मी बनाती है, खुद से तो नहीं बनती दो चोटिया। अच्छा सुंदर है भाई फ्रेंड तो तुम्हारी, मेरे जैसे सुंदर। हाँ अच्छा दोनों फ्रेंड सुंदर हो ठीक है, और इंटेलिजेंट कौन सी ज्यादा। अच्छा अभी हुआ वो तो, अभी हुआ अभी हुआ। तो गाइस ये इसकी फ्रेंड है, ये दिखाना चाह रही थी इसको काफी दिनों से। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा चलो तो भाई जी बच्चे तो चले गए जी नीचे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए, तो मैं कर देती हूँ पति देव की यूनिफॉर्म पर प्रेस, क्योंकि कल भी लाइट चली गई थी तो कल भी नहीं हो पाई थी, वो तो सुख रह गई, एक यूनिफॉर्म की एक्स्ट्रा रखी थी प्रेस की हुई। तो भाई जी आज कर देती हूँ फटाफट से, फिर चल के बाहर खाना भी बनाना, बच्चे चले गए हैं नीचे। खा लिया बेटा खाना, कैसा लगा? कैसा लगा खाना? दोपहर वाली दाल अच्छी लगी थी, आलू की सब्जी अच्छी लगी? बताओ तो, दोपहर वाली दाल अच्छी लगी थी या ये आलू की सब्जी अच्छी लगी? ये वाली ठीक है, कल भी दोपहर में भी सही खा लेना, कल शाम को भी सही खा लेना ठीक है। तो भाई देखिए टाइम हो गए जी रात के 9:30 बज चुके हैं भैया, देखिए पता नहीं चल रहा टाइम का इसमें क्योंकि उल्टा दिखाई दे रहा ना, तो खाना वाना तो सभी ने खा लिया था, फिर बच्चों ने फरमाइश की, क्या फरमाइश की बच्चों ने बताओ, क्या खाने की फरमाइश? तो जी बच्चों ने सैंडविच खाने की फरमाइश की, तो फिर इनके पापा लेके आए थे ब्रेड, तो ब्रेड देखते ही बच्चों का मन हो गया कि सैंडविच बना के दो, तो अभी ने सैंडविच बना के दे दी। चलो ठीक है मैं लेके आ रही रूम में, ठीक है? हाँ तो और लेके भी तो आ रही रूम में, चलो चलो। तो गाइस देखिए हमारे सैंडविच बन के रेडी हो गए और कुछ बनने लग रहे, लो भैया लेके चलो आप रूम में, मैं और लेके आ रही, चलो जाओ धीरे धीरे जाना ओके।